693 किलोमीटर्स कवर किया है और होटल पे पहुँचे। ये अंकल जी का ये यहाँ पे अंकल जी होटल में आने का रास्ता बहुत डेंजर। मुझे एक्चुअली रॉन्ग रास्ता मिला, मैंने एक्चुअली जो रूट लिया वो थोड़ा सा लंबा हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 20 जनवरी 2020। मैं कल रूम लिया था एक प्यारा सा, ये अभी आपको लोकेशन इसके बाद दिखाता हूँ। बहुत प्यारा सा रूम था एंड बहुत अच्छा खाना था, राजस्थानी खाना था, बहुत एंजॉय किया। अच्छा नींद था, मैं फ्रीज़र में सोया था रात को क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा था, कांपने लग गया था। फिर मैं स्वेटर ला के सो गया कैसा, तो फिर सुबह 8 बजे उठा, 8 नहीं 7:30 बजे के करीब उठा और तैयार हो गया। आज का वडोदरा तक का ट्रिप होगा, 642 किलोमीटर एक्सपेक्टेड है। 642 किलोमीटर करीब करीब 14-15 घंटा लगेगा। अब तो आज ही कवर करना है वडोदरा क्योंकि कल कुछ प्लान है। चलो मिलते हैं मोटो व्लॉग पे। आज का रीडिंग दिख रहा है 4546 ओडोमीटर रीडिंग बोल रहा हूँ मैं, बाकी रीडिंग नहीं बता रहा हूँ। और इंजन एम्बिएंट टेम्परेचर 9 डिग्री दिखा रहा है, मतलब एक्चुअली बाहर है 8-9 डिग्री है। अब गाड़ी तो पूरा फ्रीज हो पड़ा, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुआ तुरंत, लेकिन हो गया। बाय बाय, थैंक यू। सर देखो, कल आप लोगों को देखने नहीं मिला ना ये प्रॉपर्टी कैसा है, आज देखो ये प्रॉपर्टी कैसा है। मस्त अक्कन प्रॉपर्टी था और सस्ते में मस्त था। 549 में मुझे डील पड़ा। अभी ओयो क्रेडिट भी थोड़ा बहुत था मेरे पास था। रॉन्ग साइड डालना पड़ेगा क्योंकि वो रूट अवेलेबल नहीं है। ये था सड़ा हुआ होटल जो कल मैं जाने के बाद में उसे चेक इन नहीं लिया। बोला सर आपका बुकिंग 1140 या 1160 में हुआ है, ये रेट में हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारा मिनिमम बुकिंग रेट नहीं है।
करीब 855 के रेंज में कुछ निकला था मैं ओडोमीटर रीडिंग के साथ। अभी मैंने रीडिंग चेक किया तो 4668 कुछ है अभी, तो उसके हिसाब से 122 किलोमीटर कवर किया है 1.5 घंटे में। अच्छा स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रूट एक डाइवर्शन लेने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी रोड टकाटक है। अभी नाश्ते के लिए रुका हूँ, पोहा मंगाया है और पूरी सब्जी मंगाया हुआ है। पूरी सब्जी मेनू में नहीं था, मांगा तो उन्होंने बनवा के दिया। थैंक यू भाई। गाड़ी 239 किलोमीटर चला लास्ट रिफिल पे। अभी एमटी लेवल पे आ गया था, तो एमटी लेवल पे भी 20 किलोमीटर चला तो एवरेज 23 का दिया। अभी आगे 28 पीछे 34। हवा ज्यादा था, हवा था 31। ओके 34 34 का हवा चेक नहीं हुआ है, आगे का हवा चेक हो गया, आगे का करेक्ट हो गया है। देख भाई, देख आगे मोटर देख भाई।
खाना नहीं भाई, कपड़ा कपड़े सामान ऑक्सीजन हवा में मिल रहा है ना। ये है राजस्थान, जाने के टाइम मैंने बताया था ऐसे ही फालतू में बैरिकेड लगा के रखा है और पीछे पुलिस वाले खड़े थे, बैरिकेड के आगे पुलिस वाले बैठे थे या पीछे। आप तो निकल सकता है 280 किलोमीटर। हाँ भाई तू निकलेगा, तू तेरे को कितना किलोमीटर है, क्या बात कर रहा है। अभी मैं वैसे भी मैकडी पे ब्रेक मारने आया, मैकडी ऐसा किधर ब्रेक मारने वाला है। ओके सुबह ऑलमोस्ट 8:45 to 8:55 के बीच में निकला हुआ है, तो अभी बजा हुआ है 6:22। डिनर लंच हुआ नहीं है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद खाली दो बार चाय पिया। अभी 453 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। मैं अभी ओडोमीटर चेक कर रहा था, 453 किलोमीटर कंप्लीट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और मुझे 232 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि वडोदरा में होटल बुक किया हुआ है, वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन 253 किलोमीटर है। अहमदाबाद और मुश्किल से 80 या 70 किलोमीटर कुछ होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, अपना एनर्जी लेवल बड़ा, राइड जल्दी निकल के एनर्जी लेवल रिटेन करके चलाना अच्छा लग रहा है। ये कपल अभी जो कार में बैठे, ये लोग आके पूछा सब राइड के बारे में, बात करते करते मालूम पड़ा मलयाली है, गांव में गांव के ये जो भी है अच्छा है, थैंक यू भाई। और वो जो भाई वरना के इधर खड़े, वो भाई ने मेरा एक इंस्टा पे स्टोरी शेयर किया था, उन्होंने इधर मुझे देखने के बाद खुश हुए, आके ऐड किया मेरे को और उन्होंने स्टोरी मुझे दिया, मैंने भी इंस्टा पे शेयर किया हुआ है। सो इंस्टा पे रहो ताकि आप लोग को कनेक्टेड रहे। पेट्रोल है ना, रुक जाओ देता हूँ। कितना दूर है पंप, देता हूँ 2 मिनट। ना 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 भाई, आप रोड पे तकलीफ पे हो, बस बात खत्म हो गया। पैसे के लिए पेट्रोल लेके घूमूंगा, ऐसी बात नहीं है, हमारा पेट्रोल यानी बराबर है। वो क्या है, ये मैं हाईवे चलते रहता हूँ ना, इसलिए रखा। वडोदरा ये रोड सीधा ना, एकदम सीधा। कौन सा एरिया पूछू, अंकल उत्तमपुरा कहाँ पे? उत्तमपुरा बोला ना, उत्तमपुरा नहीं इधर हितमपुरा, हितमपुरा तो अंदर आ गया, अंदर आ गया ना, तो अभी इधर से मेन रोड पे जाने का, हाँ तो बरोड़ा तरफ जाने का, वो हनुमान जी का मंदिर आता है, हाँ रोड पे, ये इधर नहीं, ये कोपरे में दिखाई दिया, इधर यहाँ पे आइए, मंदिर से आया मैं, मस्जिद के पहले वाला मंदिर, हाँ
उधर खेतमपुरा नहीं आया। हाँ खेतमपुरा इधर आया। मुझे इसके अंदर ये आगे का रोड बता रहा है, ये देखिए ना, ये आगे का रोड बता रहा है। बेरमपुरा होगा। हाँ बेरमपुरा, ये बेरमपुरा है क्या? बेरमपुरा, बेरमपुरा आगे रोड जाता है यार। एक मिनट रुक। ठीक है। फाटक क्रॉस करने के बाद हाईवे लगता है। अच्छा ओके, मैं समझ गया। वो मंदिर के बाद का फाटक तू बोल रहा है। हाँ मैं एक मेन हाईवे पे आ गया। अभी समय में आया तू सारे ये किलोमीटर्स कवर किया है और होटल पे पहुँचे। ये अंकल जी का ये यहाँ पे अंकल जी होटल में आने का रास्ता बहुत डेंजर। मुझे एक्चुअली रॉन्ग रास्ता मिला। मैंने एक्चुअली जो रूट लिया वो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो सब करते मैं दोस्त पहुँच गया था, उसने लाइव लोकेशन दिया और फिर मैं इधर उधर घूमते मैं जगह पर पहुँच गया। और अब खाना खाने जाना है, उसके शोध में निकला है। 9 o'clock को निकला था, 8:45-8:50 के रेंज में निकला था। यहाँ पे मैं अराउंड 12:15 बज गया है, मैं होटल पहुँच गया। मतलब करीब करीब मेरे को 14 घंटे में 693 किलोमीटर्स मेरे लिए बड़ा टास्क है एंड बहुत मज़ा आया। अभी आ गया, अभी हम लोग खाना खाने जाते हैं, उधर आपको मिलते हैं। वापस ये 4 नंबर जो दिख रहा है ये हमारा रूम। चलो अबे थोड़ा पीछे सरक। हाँ ढूंढते हम लोग आ गए खाना ढूंढने। और अब हमें रोड साइड एक खाना का जगह मिल गया। यहाँ पे खाली नॉन वेज अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा बना के देगा बोला है। फाइनली इसका एक सिंगल सोलो राइड की धज्जिया मार दी है। सोलो राइड का अभी अहमदाबाद रुकने का प्लान था, तो भाई साहब ने मुझे बोल दिया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है। यही था सस्पेंस जो पेंडिंग रखा था मैंने, सस्पेंस खोल दिया है। भाई साहब पहुंच गए हैं, भाई वलसाड़ से इधर तक जितना वो भी 280 किलोमीटर ड्राइव करके आया। मैं बोला मेरा डिस्टेंस उसका डिस्टेंस, फिर भी वो जल्दी पहुंचा। आखिर में इंटरसेप्टर है और दूसरा बात उसके कोई लगेज नहीं है, मेरे पास पूरा लगेज था। तो ऐसा मैं यहाँ का मेरा राइड कंप्लीट कर रहा है। अभी सोलो राइड आज नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों फिर सोलो राइड होगा। कल मेरा स्टैचू ऑफ यूनिटी से वलसाड़ इसके घर पे एक दिन मतलब रात को रुकेगा और सुबह निकल जाएगा बदलापुर। तो ट्रैवल सीरीज है, एवेंट हो जाएगा। तो एक बार खाना आने दो, खाना दिखा दो। ये है अर्जू तवा फ्राई, बस यहाँ पे ही आया है। ये अभी भैया बना के दे रहे हैं हमें। देखो खाना बन के मिला है, कुछ तो बना के दिया चिकन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोटी है, अभी जीरा राइस भी बन रहा है। कैसा लग रहा है भाई, कुछ तो मिल के खाना को खाने को कुछ तो मिला। ब्लॉग एंड हो रहा है यहाँ पे। स्टे ट्यून टू द चैनल एक्सप्लोरिंग फॉर पीस। चैनल के साथ रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा। अभी कल और इंटरेस्टिंग वीडियो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, काफ़ी टाइम से प्लान था, कल हो रहा है फाइनली। मिलते हैं कल मॉर्निंग, इधर से स्टैचू ऑफ यूनिटी 70 किलोमीटर्स राइड करना है, उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगे। तो कल भी मॉर्निंग में निकलेंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय।